लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उकदा मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अच्छा, ये जो दो क्वेश्चन है ये तो कल हमने डिस्कस कर लिए थे। हाउ डज जॉसर क्रिएट इंटरेस्ट फॉर मॉडर्न रीडर इन द 14th सेंचुरी इंग्लिश कैरेक्टर। एलिबरेट योर आंसर विद रेफरेंस टू एटलीस्ट फोर हिज कैरेक्टर। चार उसके कैरेक्टर से रिलेटेड हमने एलिबरेट करना था इस पॉइंट को। और फिर उसका आर्टिस्टिक मेथड जो कि चौसर ने अडॉप्ट किया इन द पोर्ट्रेयल ऑफ हिज पिलग्रिम्स इन द प्रोलोग। ये चौसर का जो नैरेटिव स्टाइल है इसमें सारा वो आ जाएगा। फिर हाउ फार वुड यू अग्री दैट चौसर कैरेक्टर्स आर इंडिविजुअल्स एंड टाइप साइमल्टेनियसली। आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन आएगा इसके अंदर कि किस तरीके से उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिविजुअल्स भी थे और टाइप्स। टाइप्स का यहाँ पे मतलब है कि वो ट्रू टू टाइप थे, यानी कि अपनी मिसाल आप थे। ट्रू टू टाइप यानी कि लाइफ लाइक थे और अपनी मतलब एक इंडिविजुअल भी थे और टाइप साइमल्टेनियसली यानी कि ट्रू टू लाइफ थे, ट्रू टू टाइप थे। मतलब उनको जिस तरह का होना चाहिए था वो वैसे के वैसे ही थे। तो ये आपने एलिबरेट करना है कि वो कितने लाइफ लाइक थे और किस तरह से वो इंडिविजुअल थे। ठीक है, ये भी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द प्रोलोग। फिर है क्रिटिकली एनालाइज चौसर्स टू मेल एंड सिक्स फीमेल कैरेक्टर। बेटर टू फीमेल एंड सिक्स मेल होगा। ठीक है, उसके दो फीमेल कैरेक्टर्स थे और छह मेल कैरेक्टर थे। ठीक है, तो एनी टू फीमेल और सिक्स मेल कैरेक्टर। ठीक है, सिक्स मेल एंड टू इन द प्रोलोग कैरेक्टर्स इन द प्रोलोग। सिक्स मेल एंड टू फीमेल का मतलब ये है कि भाई आपने आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के हवाले से सिक्स मेल एंड टू फीमेल कैरेक्टर जो प्रोलोग है वो उनको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो इसमें बिल्कुल शॉर्ट पैराग्राफ्स बना लें एनी सिक्स मेल और टू फीमेल कैरेक्टर्स के, और उनको एक एक पैराग्राफ के अंदर भी अगर आप डिफाइन करें तो ये आराम से आपका हो जाएगा। उसके बाद है इन प्रोलोग चौसर डिपिक्ट एन अनयूजुअल टॉलरेंस फॉर ह्यूमन वीकनेसेस। ठीक है, उसने एक अनयूजुअल टॉलरेंस शो की टुवर्ड्स द ह्यूमन वीकनेस। देखिए बेटा, चौसर का ये जो है ना, ये आप लोगों का पहला पहला क्वेश्चन है करंट नोट्स में, चौसर का ह्यूमन। तो चौसर वाई उसकी अनयूजुअल टॉलरेंस क्यों थी? चौसर का जो ह्यूमर है, सटायर है या आयरनी है बेटा, वो तीनों जो है, चौसर का वे ऑफ नरेशन और चौसर का सटायर करने का तरीका बड़ा माइल्ड था। वो लैश नहीं करता था जस्ट लाइक द लैंगलैंड। ठीक है, ना ही जोनाथन स्विफ्ट की तरह उसने कोई बिटर सटायर की थी जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स के अंदर। अब नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है वो आप लोगों का ये प्रो स्टार्ट होगा। फिर मैं आप लोगों को फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से चौसर जो है उसका जो वे ऑफ ह्यूमर था, या वो अगर मजाक करता भी था तो वो बड़ा लाइट मोड में मजाक करता था। वो बीइंग एन ऑब्जर्वर एक इंसान की ह्यूमन की वीकनेसेस देखता था, उनको ऑब्जर्व करता था, स्माइल करता था। तो क्यों उसकी एक आपने डिपिक्ट करनी है एक अनयूजुअल टॉलरेंस। तो अनयूजुअल बेटा